हे एवरीवन, माय नेम इज ऑनक चितालिया और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरी टॉप 5 डेक्सटेरिटी या स्पीड गेम्स। सो लेट्स सी वो कौन सी गेम्स हैं। आज जो भी सारी गेम्स जो हम लोग कवर करेंगे वो गेम्स खेलने के लिए आपको कोई लैंग्वेज में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है और ये गेम्स जो है वो इजीली किसी को भी पता चल सकती है और उसमें ज्यादा करके आपकी हाथ की कलाई और हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए। सो लेट्स गेट ऑन एंड सी व्हाट माय टॉप 5 लिस्ट इज। ये गेम है जो मेरे नंबर 5 पे है। ये गेम में लिटरली आपको नैपकिन्स फोल्ड करने हैं और चलो मैं आपको बताता हूँ ये गेम के बारे में, जिसका नाम है फोल्ड इट। ये गेम 2 से 4 लोगों के खेलने की गेम है जिसमें ये बढ़िया कलर के और बढ़िया क्वालिटी के नैपकिन्स आते हैं जो गेम में हर एक प्लेयर्स को मिलेंगे। गेम का काम ये है कि हर एक राउंड में एक ऐसे वाले फोल्ड इट के कार्ड्स आएंगे, कुछ ब्लू कलर के जो ईजी होते हैं और जो कुछ रेड कलर के हैं वो जो डिफिकल्ट वाले होते हैं। कार्ड आपको जैसे ही ओपन करना है आपको 2-3 डिफरेंट टाइप्स की डिशेस दिखेगी और हर एक प्लेयर को जल्दी से अपना नैपकिन अच्छे से फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करना है कि सिर्फ वो 3 डिशेस ही दिखे। जैसे ही उनको वो 3 डिशेस सिर्फ दिखेगी उनको जल्दी से बीच में से एक स्टार ग्रैब करके अपने पास ले लेना है। जो भी प्लेयर लास्ट होगा ये स्टार ग्रैब करने में वो एक पॉइंट लूज करेंगे और गेम प्ले में वापस से हम लोग जो भी प्लेयर्स है वो कंटिन्यू करेंगे खेलना। क्वाइट फ्रैंकली मेरे ओपिनियन में ये तो बहुत ही अच्छी गेम है जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों साथ में खेल सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही खेले या सिर्फ बड़े ही खेले। मैंने बहुत सारे बड़ों को बच्चों की तरह भी बिहेव करते हुए देखा है ये गेम में। सो यस, ये है फोल्ड इट और यू शुड चेक इट आउट कैसे इस गेम को खेलते हैं। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू माई नंबर 4 विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन दिस। फोर्थ गेम जो मैंने चूज की है वो स्पेशली बच्चों को खेलने को ज़्यादा मज़ा आती है बट गिल्टी प्लेजर मुझे भी खेलने में बहुत मज़ा आती है और ये गेम का नाम है डॉक्टर यूरेका। जैसे आपने फोल्डेड में देखा राउंड के स्टार्टिंग में सब लोगों को कुछ कंपोनेंट्स दिए होते हैं और उनको एक कार्ड ओपन करना है। ये गेम भी वैसे ही थोड़ा वर्क करता है बट इसमें जो कार्ड्स है उसमें बताया गया होता है कि हर एक प्लेयर को कौन से वे में ये सारी चीज़ें अरेंज करनी है। स्पेशली ये जो मार्बल्स जो है वो बताए गए हैं। अभी चैलेंज ये गेम में ये है कि जो मार्बल्स है उसको आपको हाथ से टच नहीं करना है। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो फर्स्ट वाले उसमें मुझे सिर्फ एक ग्रीन मार्बल चाहिए, सेकंड में रेड और पर्पल चाहिए और थर्ड में बाकी के सारे चाहिए। तो मुझे ये काम करना होगा कि 2 मार्बल्स को बिना उसको हाथ लगाए मुझे ऐसे ट्रांसफ़र करने होंगे और अलग अलग वे में उसको रखना होगा। जो भी प्लेयर इसको फर्स्ट अचीव कर लेंगे बिना मार्बल्स को हाथ लगाए उनको ये कार्ड एज 1 पॉइंट मिल जाएगा। ये गेम में बच्चों को स्पेशली मज़ा आता है क्योंकि ऐसा लगता है कि साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। गेम का थीम ये है कि आप लोग सब लोग एक डॉक्टर के लैब में हो और डॉक्टर ने आपको कुछ टेस्ट दिए हैं करने के लिए और आपको राइट इंग्रेडिएंट्स लेके उसका एक अच्छे से टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर बनाना है। सो गेम का थीम ये है बट ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि गेम में क्या करना है। इट इज़ इमेंसली फन फॉर एवरीबडी। ये 2 से 4 के लोगों के प्लेयर्स के खेलने की गेम है और हर एक प्लेयर को ये बहुत ही अच्छे अच्छे और गुड लुकिंग 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स मिलते हैं जिसमें उनको खेलना होता है। सो गो एंड ट्राई इट आउट डॉक्टर यूरेका एंड आई मूव ऑन टू माई 3rd गेम। मेरा नंबर 3 डेक्सटेरिटी गेम जो मुझे बहुत पसंद है वो थोड़ा बच्चों वाला थीम्ड है। इसमें एक हीरो है और जो नॉर्मल हीरो की तरह नहीं दिखते और इसमें क्योंकि ये सेकेंड वर्जन है गेम का इसमें उसके सारे फ्रेंड्स भी आए हैं। यस, गेम का नाम है राइनो हीरो सुपर बैटल। इस गेम का एम ये है कि हर एक प्लेयर को अपना अपना खुद का सुपर हीरो चूज करना है। नाम बहुत अच्छे से इसके रूल बुक में दिए हुए हैं और उनको स्टार्टिंग से एक बिल्डिंग बनाते जाना है और अपने सुपर हीरो को उसके ऊपर और ऊपर चढ़ाते जाना है। जैसे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसे टाइप के टाइल्स आते हैं और इसके ऊपर हर एक प्लेयर के टर्न में उनको 1 या 2 वॉल्स जो है वो पिकअप करने हैं। गेम्स में डिफरेंट टाइप्स के वॉल्स आते हैं, छोटे वॉल्स भी और बड़े वॉल्स भी। सो मैं तो यहाँ पे बड़ा वॉल ट्राई करूँगा जो स्टार्टिंग में मैं 2 वॉल बना के उसके ऊपर एक उनको रूफ टाइल रखना है। गेम में ये चीज़ करने का बहुत मज़ा आता है क्योंकि एक बैलेंसिंग का जो ये है मैकेनिक है वो उसमें ऐड हो जाता है। जैसे उन्होंने ये कर दिया वैसे उनका टर्न ख़त्म हो जाता है और उनको बेसिकली जो भी नेक्स्ट लेवल उन्होंने बनाया है उसके ऊपर अपने हीरो को चढ़ा देना है। अभी कोई दूसरा प्लेयर रहेंगे वो बस एक और वॉल लेंगे और यहाँ पे रख के उसके ऊपर एक और वॉल बना देंगे, उसके ऊपर सीलिंग रख देंगे और उसमें ऐड कर देंगे। जैसे ही 2 सुपर हीरोज़
एक लेवल पे आ जाते हैं तभी शुरू होता है सुपर बैटल, मतलब कोई भी दो सुपर हीरोज एक ही लेवल पे नहीं रह सकते, इसीलिए उनको डिफरेंट डिफरेंट डाइस रोल करने हैं। और गेम में अलग अलग टाइप के विलन्स भी आते हैं जिसका नाम है सम स्पाइडर मंकीज, तो वो खेलने में और वो बैलेंस करने में ज़्यादा मज़ा आता है। बेसिकली ये लाइट हार्टेड गेम है और इसमें जो बैलेंसिंग मैकेनिज्म है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो खेलने में आपको बार बार मज़ा आएगा। बिकॉज इट इज़ सो हाई इन माई लिस्ट इज इट्स ऑन नंबर 3, इट्स राइनो हीरो सुपर बैटल। बिकॉज इसका एक पहला वर्जन भी था राइनो हीरो, वो इतना अच्छा नहीं था, बट ये वाला है जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, सो मैंने उसको सेल करके ये वाला खरीद लिया। डू चेक इट आउट एंड आई विल मूव ऑन टू माई नेक्स्ट वन विच इज नंबर 2। मेरा अगला गेम जो है वो 2 से 4 प्लेयर्स भी खेल सकते हैं, बट स्पेसिफिकली इसमें मज़ा आता है खेलने में 4 प्लेयर में। गेम में कॉम्पोनेंट्स गिराने हैं और पॉइंट्स कमाने हैं, सो लेट्स सी हाउ इट्स प्लेड। ड्रॉप इट। ड्रॉप इट गेम में बहुत अच्छा अपैरेटस आता है, बेसिकली एक वर्टिकल टाइप का टावर आता है जिसके अंदर आपको एक 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 करके हर एक प्लेयर को अपने पीसेस ड्रॉप करने हैं। हर एक प्लेयर को स्टार्टिंग के गेम के स्टार्टिंग में अलग अलग शेप के 2-2 पीसेस मिलते हैं और सर्कल के 3-3 पीसेस मिलते हैं। अपने टर्न में मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एक पीस को ऐसे ड्रॉप करना है इसमें, और वो जो भी लेवल में पहुंचा उतने मुझे यहाँ पे पॉइंट मिल जाएंगे। बट इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो आप नीचे गेम में और यहाँ पे साइड में देखते हैं वो सारी जगहों पे वो डिफरेंट टाइप्स के शेप्स जो है वो टच नहीं होने चाहिए। अगर टच हो गए तो मुझे वो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो सर्कल ड्रॉप किया है, और जो सर्कल है वो अगर वो ये एरिया में ड्रॉप हो जाता तो मुझे उसके पॉइंट्स नहीं मिलते। जो भी नेक्स्ट प्लेयर है वो ध्यान रखें कि नेक्स्ट उनका जो पीस यूज़ कर रहे हैं वो पीस यूज़ करते वक्त वो इतना ध्यान रखें कि सेम कलर और सेम शेप नहीं मैच होना चाहिए, मतलब टच नहीं होना चाहिए उनके पीस ड्रॉप करने के बाद। अगर हम देखेंगे कि ग्रीन प्लेयर ने यहाँ पर ध्यान तो रखा है कि सेम कलर और सेम शेप उन्होंने यूज़ नहीं किया है, बट जो बॉटम है वो वहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्क्वायर है वो टच नहीं होना चाहिए। ओवरऑल अगर आप पूरे साइड में देखेंगे तो ये सब इंटरचेंजेबल है, और यहाँ पे साइड्स में भी सेम ही कंडीशंस है खेलने के लिए। गेम में आते हैं और एक्स्ट्रा 2 कलर वाइज वेरिएशन गेम का, जो आप चूज कर सकते हैं निकाल के वापस से खेलने के लिए, जो बेसिकली हम लोग को तो रैंडम भी हम लोग पूरा कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग से, और अभी ये बेसिकली हो गया कि यहाँ पे वो कलर टच नहीं होना चाहिए। वैसे करके गेम में लोग इतने जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते जाते हैं पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, बट जो प्लेयर्स है वो ज़्यादा कंपेटिटिव होते जाते हैं। बिकॉज आपको सोचना पड़ेगा कि सेम कलर मैच ना हो, सेम नंबर मैच ना हो, साइड्स पे मैच ना हो, बॉटम में मैच ना हो, सब जगह मैच ना हो। ये गेम इतनी कॉम्पिटेटिव हो जाती है, बट है बहुत ही सिंपल। ये खेल किसी को भी सिखा सकते हैं आप खेलना, और इवेंचुअली जो आजू बाजू वाले लोग होते हैं वो लोग भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं गेम में, क्योंकि ये है ही इतना ब्यूटिफुल लुकिंग मैकेनिक। सो दैट इज माई नंबर 2 गेम, ड्रॉप इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू माई लास्ट एंड द फाइनल नंबर 1 स्पीड एंड डेक्सटेरिटी गेम, एंड लेट्स सी व्हाट इट इज। मेरा नंबर 1 स्पीड और डेक्सटेरिटी गेम है जो मैं सब लोग को रेकमेंड करता हूं, स्पेशली ग्रुप्स को, वो गेम का नाम है माकी स्टैक। ये गेम में बहुत ही ब्यूटीफुल कंपोनेंट्स आते हैं जो वुडन के बनाए हुए होते हैं, जैसे सोय सॉस बॉटल, राइस सुशी, फिश सुशी, कुकुम्बर रोल, प्लेट और मैट। ओके, और हर एक के 2-2 आते हैं गेम में। गेम में दूसरे कंपोनेंट्स में ब्लाइंड फोल्ड और कार्ड्स भी आते हैं। गेम में करना यह है कि 2 टीम में आप लोगों को सारे प्लेयर्स को डिवाइड करना है, और उसमें से हर एक प्लेयर जो है वो शेफ बन के आएंगे। अभी शेफ्स में एक कुछ बेट लगी होती है कि भाई हम तो आंख बंद करके भी खाना बना सकते हैं। सो हर एक शेफ को एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम्फर्टेबल ब्लाइंड फोल्ड मिलेगा जो उनको पहन लेना है। ठीक है, ब्लाइंड फोल्ड पहनने से पहले उनको कुछ रूल्स जानने हैं कि जो उनके टीममेट्स होंगे उनको एक कार्ड रैंडमली मिलेगा जिसके ऊपर ये जो सारे कंपोनेंट्स मैंने स्टार्टिंग में बताए थे वो कैसे एक के ऊपर एक अरेंज करने हैं वो बताया होगा, और उनके टीममेट्स को वो उनको उनके शेफ्स को बताना होगा कि ये कैसे करना है। जो भी शेफ ने सबसे पहले कर लिया वो शेफ को ये कार्ड एज 1 पॉइंट मिल जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ, आप लोग मुझे हेल्प कीजिए कि ये कैसे करना है। मुझे नहीं पता कि इसमें पीछे क्या है, मैंने देखा नहीं है। सो गो अहेड, मैं आंखें बंद करता हूँ एंड माय फ्रेंड आस्था विल हेल्प मी आउट कि इसमें क्या क्या करना है। ओके, सबसे पहले सोया सॉस बॉटल। ओके, सो वन थिंग विच आई हैव नॉट टोल्ड एवरीबडी कि टू मेक इट अ लिटिल डिफिकल्ट, जो भी शेफ्स हैं उनको सिर्फ चॉपस्टिक्स, मतलब सिर्फ दोनों हैंड के एक एक फिंगर जो है वो यूज़ करनी है।
ओके आप फील करने के लिए भी यूज नहीं कर सकते. ओके सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आई थिंक यू टोल्ड मी सोया सॉस बॉटल राइट. सो सोया सॉस बॉटल यहाँ पे है और मुझे उसको प्लेट पे रखनी है. नेक्स्ट क्या है? राइस. राइस राइस हाँ 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 मैटर करता है वो ऑब्वियसली. मेरे जैसे शेफ को ये ऐसे रेस्टोरेंट में फंसा दिया तुमने. हाँ प्राइस सही है. लेफ्ट 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 बस 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 यहाँ हाँ ओहो हो गया. ओके इंटरेस्टिंग वाओ दैट्स नाइस. अरे वाह नाइस. ओके सो यस ऐसे खेलते हैं माकी स्टैक. बट इसमें जो मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की और थोड़ी चीटिंग भी की थंब यूज़ करके, यूजुअली गेम में वो सब अलाउड नहीं है, बट जो भी टीम ने वो पहले कर दिया वो टीम को ये कार्ड एज वन पॉइंट मिल जाता है. ये गेम मुझे इतनी पसंद है ऑल्दो इतनी सिंपलिस्टिक है और एक्चुअली इसके अंदर से कुछ भी नहीं दिखता है. ये उन्होंने इतने कम्फर्टेबल बनाए हैं और अच्छे बनाए हैं कि सो कॉम्पोनेंट क्वालिटी A1, आर्टवर्क जितना चाहिए उतना ही उन्होंने बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाया है. गेम में हाँ डिफरेंट मोड्स आते हैं जहाँ पे दो प्लेयर्स जो है वो एक टीम में से आपके एक एक फिंगर यूज कर सकते हैं, वो भी एक मोड है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड है. यूजुअली 30 मिनट से एक घंटा तो आपकी फैमिली में इजीली निकल जाता है. हाँ अगर किसी को ज़्यादा नारे लगाने की आदत है और ज़्यादा दूसरे टीम को चिढ़ाने की ज़रूरत है तो ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, बट अदरवाइज ये गेम में इतना ही काफ़ी है और उसमें छोटे बच्चे बड़े लोग सबको इन्जॉय होता है और देखने में भी मज़ा आता है. सो ये मेरा नंबर वन गेम है माकी स्टैक जो मैं आँख बंद करके किसी को भी रिकमेंड करूँगा. ऑल्सो ये गेम के पब्लिशर्स हैं ब्लू ऑरेंज गेम्स. यूजुअली इनकी गेम जो है वो इतनी ही वैकी होती है विद गुड लुकिंग कॉम्पोनेंट्स होता है और यू नो ईजी टू प्ले ईजी टू अंडरस्टैंड टाइप की गेम्स होती है. मैं आगे जाके ब्लू ऑरेंज के बहुत सारे गेम्स को कवर करने वाला हूँ. सो डू चेक अस आउट एंड डू लुक एट माई अदर वीडियोज ऑल्सो जो मैं टॉप 5 लिस्ट बनाने वाला हूँ कि आगे जाके फैमिली गेम्स है और सोलो गेम्स है, ऐसी डिफरेंट टाइप्स की मैं टॉप 5 लिस्ट बनाने वाला हूँ. सो येस डू चेक इट आउट. एंड आपके ध्यान में कौन सी गेम्स है, आपको कौन सी गेम्स अच्छी लगती हैं खेलने के लिए, डेक्सटेरिटी टाइप की जो होती है वो, सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. और अगर आपको खेलने हैं ये सारे गेम्स मेरे साथ तो आइए चाय एंड गेम्स बोर्ड गेम कैफे में जहाँ पर मेरे पास 250 से ज़्यादा या 300 से ज़्यादा गेम्स हैं. आई हैव लॉस्ट काउंट ऑनेस्टली. और ऐसी ऐसी ऑसम गेम्स रहेगी बट दूसरी टाइप की भी. सो डू कम टू चाय एंड गेम्स विच इज़ इन विले पार्ले वेस्ट एंड इन इरला इन मुंबई. एंड या सो डू गूगल अस. आई थिंक फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक एंड ट्विटर एंड फॉलो मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. सो बाय देन.